हेलो गाइस, तो आज हम लोग देखेंगे कि एक्वेरियम को पूरा क्रिस्टल क्लियर कैसे रखें, एकदम इतना क्लीन कि एकदम एक्वेरियम पूरा एकदम क्लियर दिखे, एकदम नए जैसा एक्वेरियम दिखे। तो जैसे कि हम मेरा एक्वेरियम देख रहे हैं, ये शायद उतना आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी मैंने साफ किए हुए बहुत दिन हो गया और फिर उसके बाद मैंने पिंक लाइट लगाया है, तो पिंक लाइट थोड़ा सा इस टाइप का दिखता है, नाइट की तरह थोड़ा सा एहसास होता है, तो इसी कारण उतना क्लीन नहीं दिख रहा होगा। पर मैं कुछ ऐसा उपाय बताऊंगा जब आपका एक्वेरियम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम आपका एक्वेरियम एकदम साफ लगेगा। क्योंकि मैं भी जब अपना एक्वेरियम साफ करता हूं तो मेरा भी जब एक्वेरियम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। मैं चैनल पे बहुत सारे वीडियो शॉर्ट और वीडियो ऐसा छोड़ा हूँ जिसमें मेरा एक्वेरियम पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम चूंकि साफ कर अभी नहीं करेंगे, मैं एक और एक्वेरियम लेने वाला हूँ, तो जिस कारण से मैं पूरा सेट करूंगा इसी कारण से अभी साफ नहीं कर रहा हूँ। तो आप देखिए एक्वेरियम को पूरा क्रिस्टल क्लियर कैसे रख सकते हैं। तो देखिए एक्वेरियम बहुत लोगों का ये समस्या होता है, एक्वेरियम जैसे गंदा होता है तो दो तरह का होता है। जैसे आपका एक्वेरियम कभी ग्रीनिश ग्रीनिश टाइप का दिखेगा, एकदम पूरा ऐसा लगेगा एकदम हरा हरा, जैसे आप देखेंगे तो देखने में अच्छा एहसास नहीं होगा। आप एक्वेरियम रखते हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन अगर आपका एक्वेरियम ग्रीनिश टाइप का दिखेगा तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर कभी कभी आपका एक्वेरियम पूरा मिल्की वाइट जैसा दिखता है, एकदम मिल्की वाइट जैसा, ऐसा लगता है कोई जैसे कि पूरा दो कप एकदम दूध डाल दिया हो एक्वेरियम में, जिसके कारण से पूरा एकदम मिल्की वाइट जैसा लगता है, एकदम वाइट क्लाउडी क्लाउडी एक्वेरियम हो जाता है। ये दो प्रॉब्लम आता है। तो देखिए दोनों प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन बताऊंगा इस वीडियो में, और नॉर्मल कैसे साफ करना है ये भी बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले एक्वेरियम आपका जब ग्रीनिश हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है, आप ये होता है एल्गी ज़्यादा ग्रो करने पे। जब एल्गी आपके एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा तो इसे कहेंगे एल्गल ब्लूम। तो जब एल्गल ब्लूम होगा तो आपका एक्वेरियम ग्रीनिश टाइप का दिखेगा। ये होता है दरअसल आप एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा लाइट दे देते हैं, एक्सेसिव लाइट, और वो भी आप 12 14 15 घंटा तक अगर आप लाइट जलाते रहते हैं तो एक्स्ट्रा लाइट के कारण क्या होते हैं उसमें एल्गी ग्रो करते हैं, क्योंकि एल्गी के लिए लाइट बहुत मदद कर जाता है। आप जैसे एक्वेरियम के फिशेस ओवर क्राउड किए हुए हैं और उसे खाना बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और वह बदले में एक्सक्रीट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस एक्सक्रीट की मदद से भी एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और उसे आप लाइट भी दे रहे हैं। तो एल्गल ये हो गया आपके एल्गल ब्लूम जिसे ग्रीनिश दिखता है। तो इसका उपाय है कि आप एक्वेरियम को पूरी तरह से साफ कर दें, लेस लाइट का इस्तेमाल करें, लाइट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। आप एल्गी एंटी एल्गी आता है आपका प्यूरीफायर, तो आप प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यूरीफायर का इस्तेमाल करने से आपके एक्वेरियम पूरा नीट एंड क्लीन दिखेंगे, पर ये आपका परमानेंट उपाय नहीं है। आप एल्गी एंटी एल्गी आप प्यूरीफायर डाल दें, आपके एक्वेरियम साफ दिखने लगेंगे, पर वो साफ करने भी जरूरी है। तो आप एक्वेरियम को साफ भी करें और अच्छे से फिल्टर का इस्तेमाल करें। आप हैंग ऑन बैक फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंग ऑन बैक फिल्टर अभी अवेलेबल नहीं मेरे पास, वो इस तरह से टंगा हुआ रहता है और वो वाटर इस तरह से गिरते रहता है। तो हैंग ऑन बैक फिल्टर आप 1000 तक में आ जाएगा, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सेकेंड प्रॉब्लम आते हैं, आपका एक्वेरियम जो मिल्की वाइट दिखने लगता है, क्लाउडी क्लाउडी दिखता है, तो ये होता है दरअसल बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करने पे। तो जैसे कि इसको बोलते हैं बैक्टीरियल ब्लूम, जब बैक्टीरिया आपका बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो आपके एक्वेरियम के लिए अच्छा है, पर और भी बहुत सारे पैथोजेन माइक्रोब्स और अदर बैक्टीरिया जब ग्रो करने लग जाएंगे तो आपके एक्वेरियम अच्छे नहीं दिखेंगे। तो ये होता क्यों है, दरअसल आप जैसे एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड किए, बहुत ज़्यादा फिशेस रखे हुए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिशेस नहीं रखे, आप बहुत ज़्यादा खाना दे देते हैं, आप इतना मुट्ठी भर भरते हैं और ऐसे एक्वेरियम में डाल देते हैं, तो क्या होता है कि फिशेस उसको खाती नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ये अभी डालें और कल हो के आपका मिल्की वाइट हो जाएगा, नहीं, तो वो जितने भी फूड है सब नीचे में जाके पत्थर के अंदर में और इधर उधर जाके वो बैठ जाते हैं। और चूंकि आप जैसे जानते हैं कि फिश का जो पैलेट होता है उसमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट विटामिन मिनरल इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, तो जाहिर सी बात है इतने सारे न्यूट्रिशन जब पानी में घुल जाएंगे तो बैक्टीरिया के लिए ये पूरा खाना हो जाएगा, उसके लिए तो ये पार्टी हो जाएगा। तो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं उस न्यूट्रिशन में, बार बार ग्रो करते हैं, इसको कहते हैं आपको बैक्टीरियल ब्लूम।
तो जब आपका ये प्रॉब्लम आए बैक्टीरियल ब्लूम का, तो आप एक्वेरियम में इस तरह से उपाय कर सकते हैं, जैसे 50% वाटर को चेंज कर दें, 60% वाटर को चेंज करें, एक्वेरियम के ग्लास को साफ कर दें, उसके अंदर के डेकोरेटिव सामान को साफ करें, उस वक्त फिल्टर को आप साफ ना करें। एक किसी दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि एक्वेरियम के वाटर को कैसे चेंज करें, आप उस वीडियो देख सकते हैं। तो आप इस तरह से एक्वेरियम साफ करें, एक सप्ताह के बाद फिर से आप एक्वेरियम को साफ करें, फिर एक सप्ताह बाद फिर से एक्वेरियम साफ करें, और इसके बीच में आप एक्वेरियम के फिशेस को बहुत मतलब एकदम बैलेंस में खाना देना, मतलब बहुत मतलब जितना मिनिमम हो सके उतना आप खाना दें। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे आप न्यूट्रिशन कम डालने लगेंगे और वाटर चेंज करने लगेंगे, तो इससे क्या होगा आपके एक्वेरियम में न्यूट्रिशन लेवल धीरे धीरे कमते जाएगा। और इस तरह से आप 15 दिन करेंगे तो आपका बैक्टीरियल ब्लूम का जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आप एक आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्यूरीफायर का, वाटर चेंज करने बाद आप किसी अच्छे कंपनी का प्यूरीफायर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो एक्सेसिव जो बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। और तो इस तरह से दो प्रॉब्लम होते हैं, एक बैक्टीरियल ब्लूम, एल्गल ब्लूम, और आपके एक्वेरियम बहुत येलोइश टाइप के दिखते हैं, येलो कलर के दिखते हैं। तो ये कारण हो सकता है आप एक्सेसिव खाना देते हैं, फिशेज एक्सक्रीट ज़्यादा करती है, अच्छी क्वालिटी का फिल्टर आप नहीं लगाते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ओवरऑल आप ध्यान रखें, एक्वेरियम जब आप रख रहे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा खाना ना दें, और फिर उसके बाद बहुत एक्सेसिव लाइट का इस्तेमाल ना करें, बेस्ट फिल्टर का इस्तेमाल करें, रेगुलर वाटर चेंज करें, तो आपके एक्वेरियम में ये सब प्रॉब्लम नहीं दिखेंगे और आपके एक्वेरियम बहुत अच्छे दिखेंगे। आप व्हाइट लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने पिंक लाइट का इस्तेमाल किया है, व्हाइट लाइट का इस्तेमाल करें, अच्छे फिल्टर का इस्तेमाल करें, तो आप देख सकते हैं कि आपका एक्वेरियम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेट्रा फिशेस के बारे में, तब तक के लिए बाय गाइस।